क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर 6। शेड द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसका हम ग्राफ लोड करेंगे। और आपको पता है कि ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले टू और मोर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x रिप्रेजेंट करूँगा, तो 6 माइनस 2x। यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले और दो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट केस, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरा y कितना आ रहा है, 6 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू 6। सेकेंड केस, अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y कितना आ रहा है, 6 माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 0। तो 3 पे हमारा y कितना आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। फर्स्ट केस देखिए, x 0 y 6, x 0 y 6, तो यहाँ पर आपका आएगा पॉइंट 0,6। सेकंड केस, x 3 y 0, x 3 y 0 यहाँ पर आएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब इसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हम शेडेड करेंगे रीजन कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे, तो अगर हम इसको रीजन को शेड करें तो आपका ये रीजन आएगा। और अगर हम इनको पॉइंट दे देते हैं, ये आपका बन गया ए, ये आपका बन गया बी और ये आपका बन गया सी। सी के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आपके 0,0 है। और अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर है हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है, 3, और हाइट की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ आपका बन गया 2, 3 जा 6, तो 9 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 4 बराबर है 1। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 4 बराबर है 1। यहाँ पर हम सबसे पहले बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। फर्स्ट केस, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 0 बाय 3 प्लस वाई बाय 4 बराबर है 1। तो वाई बाय 4 बराबर 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। दैट मीन्स जब हम एक्स लेंगे तो वाई कितना आएगा, 4 आएगा। सेकंड केस, अगर मैं वाई की वैल्यू 0 लेता हूँ तो एक्स बाय 3 प्लस 0 बाय 4 डेट इज इक्वल टू 1। तो एक्स बाय 3 बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 3। दैट मीन्स वाई अगर 0 होगा तो आपका एक्स कितना आएगा, 3। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। फर्स्ट केस देखिए, x 0 y 4, x 0 y 4 यहाँ पर आपका आएगा पॉइंट, तो 0,4। x 3 y 0, तो x 3 y 0 यहाँ पर आएगा 3,0। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हो गया आपका ग्राफ। बट उसने बोला कि शेड कीजिए रीजन फॉर्म बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के आपके पॉइंट्स क्या है, 0,4 और 3,0। और तो दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, शेडी रीजन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है, 3, और हाइट कितनी है, 4। तो आपका आ गया 3 × 2, 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई बराबर है मॉड ऑफ एक्स।
यहाँ पर मैं सबसे पहले मॉड का फंक्शन बता देता हूँ। मॉडुलस ऑलवेज गिव टू वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर मैं इस मोड को रिमूव करूँगा तो ये आपको दो सोल्यूशन देगा, वाई बराबर एक्स और वाई बराबर माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, वाई बराबर एक्स और वाई बराबर माइनस ऑफ एक्स। तो दोनों के हम क्या करेंगे, इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों के सोल्यूशन को सेम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तभी हमारा जो टोटल सोल्यूशन आएगा वो मॉड ऑफ एक्स का आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं, यहाँ पर हमारा x और यहाँ पर y। सपोज हमारा x हमारा क्या है 0, तो y भी हमारा क्या आएगा 0 आएगा। सेकंड केस अगर x हमारा 1 है तो y भी हमारा कितना आएगा 1 आएगा। तो x 0 y 0 x 1 y 1 इस केस के लिए निकालते हैं। x 0 होगा तो y भी आपका 0 होगा, x हमारा 1 होगा तो y हमारा क्या होगा माइनस 1 होगा। तो 0 पे 0 और 1 पे माइनस 1। तो ये आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किए। अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन के ग्राफ, एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो यहाँ पर आएगा, एक्स वन वाई वन यहाँ पर आएगा आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये बन गया आपका इस लाइन का ग्राफ। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे वाई बराबर है एक्स। अब हम बनाएंगे इस इक्वेशन का ग्राफ, x 0 y 0 सेम पॉइंट, x 1 y माइनस 1 तो यहाँ पर आएगा आपका। तो इसको अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका बनेगा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे y बराबर है माइनस ऑफ x। तो अगर मैं इन दोनों को टोटल ऐड अप करूँ तो वो हमारा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया ग्राफ y बराबर है मॉड ऑफ x। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 2। अभी हमने बताया आपको कि मॉड ऑफ x ऑलवेज गिव टू वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस लेंगे जब हमारा x क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, तो y बराबर हो गया x प्लस 2। सेकेंड केस लेंगे जब हमारा y क्या होगा माइनस x प्लस 2। तो हम इन दोनों इक्वेशन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन फाइंड आउट करके इन दोनों के सोल्यूशन को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो फर्स्ट केस हम इसका सॉल्व करेंगे, अगर हमारा x 0 होगा तो y कितना आएगा 2 आएगा। सेकेंड केस अगर मेरा x 1 होगा तो y कितना आएगा 3 आएगा। इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारा x 0 होगा तो y कितना आएगा 2 ही आएगा, अगर हमारा x 1 है तो y कितना आएगा माइनस 1 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 1। तो 1 पर हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। फर्स्ट केस अगर x 0 y 2, x 0 y 2 तो यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका 0,2। x 1 है y 3 तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका ग्राफ बन गया y बराबर है x प्लस 2। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, x 0 y 2 तो यहीं पर आपका पॉइंट आएगा, x 1 y 1, x 1 y 1 तो यहाँ पर आपका आएगा x 1 y 1। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया आपका ग्राफ y बराबर है माइनस एक्स प्लस 2। और अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो ये आपका ग्राफ कहलाएगा y बराबर है मॉड ऑफ x प्लस 2 का। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर। फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है
टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर है 12। तो इसके हम सबसे पहले ग्राफ के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट केस, अगर मेरा x जीरो होगा तो y कितना आएगा, 2 इंटू जीरो प्लस थ्री वाई बराबर है 12। तो 3y बराबर है 12, तो y कितना आ गया 4। x जीरो है तो y कितना आएगा 4। सेकेंड केस, अगर हमारा y जीरो होगा तो 2 इंटू एक्स बराबर है 12, तो x कितना आ गया 6। तो डैट मीन्स y अगर जीरो है तो ये आपका कितना आएगा 6। फर्स्ट केस, अगर x हमारा जीरो होगा तो y कितना आएगा माइनस ऑफ 1, और y अगर जीरो होगा तो x कितना आएगा 1। तो इसके पॉइंट्स हमारे निकल गए x और y के, x जीरो माइनस 1 और y जीरो, तो ये आपका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ पर। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे, x जीरो वाई फोर, x जीरो वाई फोर, तो यहाँ पर आपका आएगा 0,4। एक्स सिक्स वाई जीरो, एक्स सिक्स वाई जीरो, तो यहाँ पर आपका आएगा। तो अभी इस दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, अब इस इक्वेशन के ग्राफ को अपलोड करते हैं। एक्स जीरो माइनस वन, एक्स जीरो माइनस वन, एक्स वन वाई जीरो, तो 1,0। अब इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2x प्लस थ्री वाई बराबर है 12, और ये हमारी इक्वेशन हो गई x माइनस वाई बराबर है 1। ये हो गया आपका ग्राफ इन दोनों इक्वेशन का। आगे वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस टू स्ट्रेट लाइन एंड द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी आपके ट्रायंगल बन रहा है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी बन रहा है। तो आपने क्या करना है, वाई के अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर हम इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दें, 0,4, 0,-1, और ये अगर पॉइंट देखें तो ये आपका आ रहा है 3,2। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए के कोऑर्डिनेट्स आपके निकले हैं 3,2, बी के आपके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं 0,4, और सी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं 0,-1। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रीजन को शेड करोगे, तो ये रीजन आपका फाइंड आउट होगा। और अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर है 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है, टोटल गैप कितना है 4 से लेके -1 5, तो 5 × हाइट कितनी है 3, क्योंकि यहाँ से लेके हाइट कितनी होगी 3 होगी। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 × 3 = 15 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड एक्सिस। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, 4x - 3y + 4 बराबर है 0, 4x + 3y - 20 बराबर है 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों को अपलोड करेंगे सेम ग्राफ पर। तो इसके यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर हमारा वाई जीरो होगा तो हमारा एक्स कितना आएगा, 4x + 4 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। वाई जीरो है तो एक्स कितना आ रहा है, -1। सेकंड केस, अगर हमारा वाई होता है 2, तो एक्स कितना बनेगा, 4x - 6 + 4 बराबर है 0, तो 4x बराबर है 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी बन गई, 2/4, डेट इज इक्वल टू 0.5। तो डैट मीन्स एक्स हमारा आ रहा है 0.5, जब वाई होगा हमारा 2। अब इसके पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट केस, अगर हमारा वाई जीरो होगा तो 4x - 20 बराबर है 0, तो एक्स कितना आ गया आपका 5। वाई जीरो तो एक्स हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर हमारा वाई होता है 2, तो 4x + 6 - 20 बराबर है 0, तो 4x - 14 बराबर है 0, तो x हमारा कितना आ गया,
14 बाई 4 डेट इज इक्वल टू 7 बाई 2 3.5। तो x हमारा आएगा 3.5 और y हमारा कितना है 2। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ पर। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। x हमारा है -1 y 0, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा -1, 0। x हमारा 0.5 है और y हमारा 2, तो यहाँ पर आपका आएगा 0.5, 2। तो ये हो गया आपका ग्राफ इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये हमारा बन गया 4x - 3y + 4 = 0। अब हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। एक्स 5 है, वाई 0। एक्स हमारा है 3.5, वाई हमारा है 2। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये आपका बन गया ग्राफ इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 4x + 3y - 20 = 0। अब उसने पूछा कि इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड द एक्सिस। तो इस रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। तो ए के कोऑर्डिनेट से हमारे 2, 4, बी के कोऑर्डिनेट से हमारे -1, 0 और ये हमारा बन गया सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है 1/2 × बेस वैल्यू कितनी होगी 5 + 1 = 6 और हाइट होगी आपकी 4, तो आपका आ गया 3 × 4 डेट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 19, द पाथ ऑफ ट्रेन इज गिवन बाय द इक्वेशन एंड द पाथ ऑफ द अनदर ट्रेन बी इज गिवन बाय द इक्वेशन, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ग्राफिकली। यहाँ पर आपको दो ट्रेन की इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम ट्रेन ए के पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो 3x + 4y - 12 = 0। फर्स्ट केस, अगर हमारा वाई 0 होगा तो एक्स कितना आएगा, 3x - 12 = 0, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 4। सेकेंड केस, अगर हमारा एक्स 0 होगा तो वाई हमारा कितना आएगा 3। तो इसके पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। वाई 0 है तो एक्स 4, एक्स 0 तो वाई हमारा कितना आ रहा है 3। अब हम ट्रेन बी के पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन आपको दे रखा है 6x + 8y - 48 = 0। फर्स्ट केस, अगर हमारा x 0 होगा तो y हमारा कितना आएगा 48/8 डेट इज इक्वल टू 6। सेकेंड केस, हमारा y 0 होगा तो x कितना आएगा हमारा 8। तो इसके पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। x 0 है तो y 6, y 0 है तो x 8। अब इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ पर। सबसे पहले हम ट्रेन ए के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे x4, y0, x0, y3। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा x0 है, y3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब हम दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, अब दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया आपकी, तो ये हो गया आपका ग्राफ इस इक्वेशन का। अब सेकंड इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे 0.6। अब हम सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ पर। x0 है y6, तो यहाँ पर आएगा आपका x8, y0, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा
तो ये आपकी इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे ये आपका बन गया 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, और ये आपकी इक्वेशन है 6x प्लस 8y माइनस 48 बराबर है 0। ये हो गया आपका ग्राफ ट्रेन ए और ट्रेन बी का। क्वेश्चन नंबर 20, रविस टेल इज डॉटर आरुषि 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि एंड रविस आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन को क्रिएट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे एल्जेब्रिकली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ रविश वाई ईयर्स, और यहाँ पर रविश अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 साल पहले, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7 ईयर्स एगो। अभी प्रेजेंट एज आरुषि की कितनी है एक्स, 7 साल पहले कितनी होगी, तो एज ऑफ आरुषि एक्स माइनस 7 और रविश की एज होगी वाई माइनस 7। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन रविश अपनी बेटी से 7 साल पहले 7 टाइम्स होगा एक्स माइनस 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस 7 बराबर है 7x माइनस 49। तो y माइनस 7 माइनस 7x प्लस 49 बराबर है 0। तो ये आपका निकल गया y माइनस 7x प्लस 42 बराबर है 0। तो 7x माइनस y माइनस 42 बराबर है 0। तो साइन हमने चेंज कर दिए, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गई अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब सेकेंड सिचुएशन बनाते हैं, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी प्रेजेंट एज उसकी x ईयर्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3, और रविश की एज हो जाएगी y प्लस 3। तो अब रविश क्या कह रहा है अपनी डॉटर से कि 3 साल बाद मैं अपनी बेटी से 3 गुना हो जाऊँगा, तो दैट मीन्स y प्लस 3 बराबर है 3 टाइम्स x प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो y प्लस 3 बराबर है 3x प्लस 9, तो आपका बन गया 3x माइनस y प्लस 6 बराबर है 0। तो ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों सिचुएशन को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया एल्जेब्रिकली। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। अभी आपने दो इक्वेशन निकाली अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, तो अब हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। अगर हमारा वाई 7 होगा तो एक्स इतना आएगा 7x माइनस 7 माइनस 42 बराबर है 0, तो 7x इज इक्वल टू 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। वाई 7 है तो एक्स भी कितना आ रहा है 7 आ रहा है। सेकंड केस, अगर हमारा वाई माइनस 7 होगा तो कितना आएगा, तो 7x प्लस 7 माइनस 42 बराबर है 0, तो 7x इज इक्वल टू 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो माइनस 7 पे हमारी कितनी आ रही है 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, y अगर हमारा 0 होगा तो x कितना आएगा, x 3x प्लस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 2। सेकेंड केस, y अगर हमारा 6 होगा तो 3x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0, तो x कितना आ गया 0। तो दैट मीन्स y 0 तो x माइनस 2, x 0 तो y कितना आ रहा है 6। अब हम दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, x 7 है y 7 है, x 7 y 7, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा x 7 y 7, x 5 है y मेरा माइनस 7, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा x 5 है y आपका माइनस 7, तो 5 कोमा माइनस ऑफ 7। अब इन दो पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे,
तो ये हो गया आपका ग्राफ इस इक्वेशन का। अब हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे x-2, y-0। तो यहाँ पर आपका आएगा पॉइंट x0 है y6। तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा। अब इन दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 3x-y+6=0, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 7x-y-14 2=0। तो ये हो गया आपका ग्राफ अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 21, आरुषि वाज ड्राइविंग ए कार विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 km/h। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द आरुषि इन पर्टिकुलर टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x बी द टाइम एंड y बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड ऑफ कार आपको गिवन है 60 km/h, और आपको पता है कि स्पीड किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 60 = y/x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60 ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और देन उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। फर्स्ट केस, अगर हमारा x 1 होगा तो y हमारा कितना आएगा, 60 आएगा। तो 1 पर हमारा कितना आ रहा है, 60। सेकेंड केस, अगर हमारा x हमारा कितना होगा, 2 होगा। तो y हमारा कितना आएगा, 120। तो 2 पे हमारा क्या बन गया, 120। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफिकली। तो फर्स्ट केस देखिए, x हमारा कितना है, 1, y हमारा कितना है, 60। x1 y 60, तो यहाँ पर आपका आएगा, तो 1, 60। x2 है, y हमारा 120। तो इन दो पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका ग्राफ y = 60 ऑफ x। अब हम फ्रॉम द ग्राफ फाइंड आउट करेंगे जो आपको क्वेश्चन बोला गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द आरुषि इन 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स मतलब यहाँ पर 2.5 को अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेते जाते हैं तो ये आपका पॉइंट आएगा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2.5 आपका किसके बराबर है, 150 के। तो डैट मीन्स फ्रॉम द ग्राफ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप आंसर लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय आरुषि इन 2.5 आवर्स इज 150 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है हाफ आवर्स मतलब यहाँ पर, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर मीट कर रहा है लाइन से, तो दैट मीन्स ये आपका इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 30। तो यहाँ पर आपका बन गया 0.5, 30। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय आरुषि इन हाफ आवर इज 30 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवरअप कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।